Hello students, welcome to MS classes. Today we will discuss how to find the electric field due to thin infinite plane sheet of charge by using Guass theorem. So let's find out. Now let's suppose यहाँ पर हमने एक infinite plane sheet assume की है, जिस पर चार्ज हमने assume किया है positive sigma. Okay? तो जो ये positive sigma charge density है that is distributed uniformly. अब यहाँ पर हमें एक Gaussian surface assume करना है जो इसे symmetrically cover करे. अगर ये distance आपका r है तो ये भी हमने कितना लिया है r. Okay? And अगर ये हम distance ले रहे हैं से r dash which is radius, this is also r dash, right? अब यहाँ पे देखिए आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड्स, राइट. सिमिलरली हियर आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड. अब यहां पर हमने थ्री सरफेस एरियाज एज्यूम करने हैं. दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड हियर दिस वन इज थर्ड. जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस एंड गोइंग आउटवर्ड. सिमिलरली हेयर ऑल्सो एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड एंड हेयर ऑल्सो एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड. तो अब हम जो फ्लक्स तीनों केस के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो एज पर द गॉस थ्योरम एज वी नो ई डॉट डी एस दैट इज क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू डैश इज द टोटल चार्ज enclosed over here. Okay? तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो हम टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं फॉर ऑल दिस थ्री केसेस. तो दिस इज द टोटल फ्लक्स फॉर द फर्स्ट सरफेस एरिया विच वी हैव अज्यूम्ड प्लस फ्लक्स फॉर द सेकेंड सरफेस एरिया प्लस द फ्लक्स फॉर द थर्ड सरफेस एरिया, राइट. अब फॉर द फर्स्ट सरफेस के लिए ds वेक्टर कहां पर है, रेडियली आउटवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहां है, अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो यहां पर क्या आ जाएगा, e ds cos 0 डिग्री फॉर द फर्स्ट. सेकंड के लिए देखिए आप, ds ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, तो ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री. तो इस केस में ये कितना हो जाएगा, e ds cos 90 डिग्री. एंड थर्ड केस के लिए देखिए, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो दिस विल बी cos 0 डिग्री. तो यहां से e इंटीग्रेशन ऑफ ds प्लस 0 इंटीग्रेशन ऑफ ds विच इज गिविंग अस 2e इंटीग्रेशन ऑफ ds, राइट. सो 2e इंटीग्रेशन ऑफ दिस ds, तो ये ds कहां पर है, क्रॉस सेक्शनली एरिया है. अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एरिया क्या मिलेगा, पाई आर डैश स्क्वायर, बिकॉज आर डैश इज द रेडियस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन. नाउ राइट हैंड साइड के लिए देखिए, क्यू डैश हमें पहले फाइंड आउट करना होगा. हमें सिग्मा गिवन है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मीन्स वन यूनिट एरिया के लिए कितना चार्ज है, सिग्मा. तो पाई आर डैश स्क्वायर के लिए मीन्स इस एरिया के लिए विच इज एस सेम एज दिस एरिया, इस एरिया के लिए कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा पाई आर डैश स्क्वायर विच इज माय क्यू डैश. सो क्यू डैश क्या है, जो चार्ज इस सरफेस एरिया पर एनक्लोज्ड है. तो इस चार्ज को हम यहां अगर पुट करें, दिस विल बी सिग्मा पाई आर डैश स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज पर गॉस थ्योरम, सो वी कैन राइट इट एज 2e पाई आर डैश स्क्वायर इज सिग्मा pi r dash square by epsilon naught. So this and this gets cancelled and we are left with e is equal to sigma by 2 epsilon naught. So this is the expression for finding out electric field at any point. Okay? आप point यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी, इधर भी, इधर भी, यहाँ भी और इधर भी, कहीं पर भी आप point लीजिए, because this e is independent of the distance. तो इस case में अगर आपका graph पूछते हैं electric field और distance के बीच में for the thin plane sheet, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट, बिकॉज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, राइट. तो ये डिपेंड किस पर करता है,
सिग्मा पर एंड नेचर ऑफ मीडियम पर। सिग्मा अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। सिग्मा अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, रेडियली इनवर्ड्स। अब इसके केसेस हम डिस्कस करेंगे। नाउ इफ वी आर गिवन विद द टू थिन पैरेलल शीट्स लाइक दिस, लेट्स सपोज यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वन एंड यहां पर है सिग्मा टू। नाउ हियर सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू इज ग्रेटर देन जीरो, मींस बोथ आर पॉजिटिव बट द वैल्यू ऑफ सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू। तो यहां पर हम लेकर चल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द टू शीट्स। ओके, अब यहां पर हम थ्री पॉइंट्स कंसिडर करेंगे और यहां पर हम वन बाय वन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सपोज ये हमारी सेकेंड शीट है और ये फर्स्ट शीट अज्यूम कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर देखिए फर्स्ट शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली दिस ऑल्सो इज सेकेंड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड आउट करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट तो वो कितनी होगी, E1 प्लस E2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 व्हिच वी हैव जस्ट फाउंड, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड हियर इट इज सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वी हैव टेकन आउट, सो हियर वी आर लेफ्ट विद सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब अगर हम सेकंड केस लेकर चले इस पॉइंट के लिए देखिए ये इसे रिपेल करेगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस इज दिस अलोंग दिस डायरेक्शन एंड इसके लिए कहां होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। बट सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू मींस ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो कहां पर होगा, ई वन की तरफ, बिकॉज ई वन इज ग्रेटर देन ई टू। तो यहां से नेट क्या आ जाएगा, ई वन माइनस ई टू। Now E1 is sigma 1 by 2 epsilon naught, E2 is sigma 2 by 2 epsilon naught. So net answer is, this is E, net answer is sigma 1 minus sigma 2 by 2 epsilon naught, right? Now for this point, दोनों के लिए electric field कहां पर होगी, along negative x axis. So जो value यहां पर आई थी, same numerical value यहां पर आएगी, but we put the minus sign here, y, because this minus sign is showing that the electric field is going opposite to this direction, okay? अब इसी में अगर आपसे कहते हैं कि अगर sigma 1 is equal to sigma 2 लेते तो इस केस में अब क्या केस बन जाता है, ये 2 sigma by 2 epsilon naught which is sigma by epsilon naught, यहां पर भी minus sigma by epsilon naught and यहां पर क्या हो जाता, 0, because sigma 1 is equal to sigma 2, is this clear? So I hope now this topic is clear to you. Please subscribe my channel for getting more videos. And in case if you have any doubt, please comment in the comment section. Thank you.